सिर पर पगड़ी बांध करके, लड़कों का ड्रेस पहन करके वो बेटी जाती है। औरंगजेब जहाँ दरबार में सबसे मिल रहा था और जब इस बेटी के पास आया तो शकुंतला ने हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, औरंगजेब ने भी बढ़ाया हाथ, लेकिन कुछ दूरी रह गई तब तक औरंगजेब ने हाथ पीछे कर लिया और अपने लोगों से कहा इनको जो है मेहमान वाले मिले जगह बैठाओ, जहां मेहमान लोग बैठते वहां इसको बैठाओ, और वहां जाकर वहां बैठाई जाती है। और बैठाई जाने के बाद औरंगजेब जब सबसे मिलकर खाली होते हैं तो जाते हैं उस बेटी को बुलवाते हैं, कहते बताओ बेटी क्या बात है। शकुंतला ये कहती मैं बेटी नहीं हूँ बेटा हूँ। औरंगजेब कहा बेटी ये निगाहें कभी धोखा नहीं खाती, बेटी हो बेटी ये निगाहें धोखा नहीं खाती बेटी। फिर उसने कहा कि नहीं मैं बेटा हूँ लड़का हूँ। औरंगजेब ने फिर कहा कि मेरी निगाहें धोखा नहीं खाती, बताओ बेटी बात बात। तब वो शकुंतला बताती है कि आपके बनारस शहर का कोतवाल जबरदस्ती मुझसे निकाह कराना चाहता है। औरंगजेब कहता ठीक बेटी जाओ निकाह का दिन रख दो और मुझे सूचना दे देना किस दिन निकाह होगा। शकुंतला वापस आती है, अपने पिता को हर बात बताती है पुजारी जी को, और बताने के बाद निकाह का दिन पड़ जाता है। निकाह का दिन जब पड़ गया और सूचना औरंगजेब को हो गई थी, निकाह के दो घंटे पहले तक बाप को परेशान की बेटी बात साथ नहीं आई क्या होगा। शकुंतला कहती है पिताजी मुझे आधे घंटे के अंदर 15 बार उन्होंने बेटी कहा है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि औरंगजेब बादशाह हमारे निकाह के समय जरूर पहुंचेंगे। और जब निकाह का समय होता है 20 मिनट पहले 3 लोगों के साथ पहुंचते हैं, साधु का रूप बना के गिरुआ वस्त्र पहनकर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद पूरी मजमा थी, जनता थी, निकाह की तैयारी थी। औरंगजेब ने कहा अपने कोतवाल से, लेकिन कोतवाल पहचान नहीं रहा था, लोगों ने बताया कि बादशाह। कहा क्यों, तुमको मैंने बनारस में भेजा था सबकी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए, और तुम जबरन निकाह बढ़ाने की बात कर रहे हो। और निकालते तलवार मारते उसका गला धड़ अलग हो जाता है, और जब धड़ अलग हो जाता है शाम का समय था, उसी समय अजान होती है। औरंगजेब कहते हैं अरे भाई कहीं शाही मस्जिद है क्या, नमाज अदा करनी है। तो लोगों ने कहा नहीं, मंदिर के पुजारी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी तुरंत वहीं पर एक कंबल बिछाते हैं और कहते हैं सरकार इसी पर आप अपनी नमाज को अदा कर लीजिए, और वहीं पर नमाज को अदा किया। उसके बाद पुजारी ने उस मस्जिद को बनवाया। ज्ञान माने ज्ञान होता है, ज्ञान जान रहे आप लोग ने बुद्धि, वापी माने केंद्र, वो ज्ञान का केंद्र बना है। इसलिए अगर बनारस में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो आप ज्ञान वापी से सीख ली करके हिंदू और मुसलमान एक करके हो करके फासिस्टवादियों से लड़ाई लड़ने का काम करें, अपने अधिकार के लिए लड़ें। बहुत कुछ ना कहते हुए पुनः मैं इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बनारस की धरती को नमन करते हुए आप लोगों को प्रणाम करते अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, जिस ज्ञान की जरूरत हमारे लोगों को थी।